The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. All right, so insect bite या stings. अगर आपको कोई मच्छर काटे, कोई मक्खी काटे, कोई ये मधुमक्खी काटे, आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया, आपके मन में सवाल आता है आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, right? Insect bite can cause very severe immediate skin reactions, right? चमड़ी में, skin में reactions होने के chances बहुत ही common होते हैं. और जो bite अगर किसी कीड़े ने काटी, ant ने काटी, if there is an ant bite and या फिर बीज, मधुमक्खी की स्टिंग हो, वैस्प की हो, कोई होमेट हो, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, राइट? दर्द बहुत ज़्यादा आता है. और बाइट जो मॉस्किटोज, मच्छर काटते हैं, मक्खी काटती हैं, माइट्स काटते हैं, वो बहुत इचिंग कर सकती हैं, खुजली कर सकती हैं. सो कुछ प्रकार के इंसेक्ट्स की बाइट पेनफुल हो सकती है एंड कुछ प्रकार के इंसेक्ट्स या बाइट्स दर्दनाक हो सकती है, राइट? इंसेक्ट्स और जो स्पाइडर्स हैं, spiders, they can cause death also from their venom. उनके अंदर कुछ insects के अंदर उनका जहर होता है. कुछ मक्खियों spider यानि मकड़ियों के अंदर जहर होता है. उनसे आपको serious reaction होके जान भी जा सकती है, right? और जो snakes है, सांप में, कई सांपों के अंदर उतना जहर नहीं होता जितना इनमें होता है एक्चुअली में. सो आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी, राइट? कि ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर केसेस में कोई भी बाइट हो, कोई स्टिंग हो, बड़ी आसानी से ट्रीट हो जाता है घर पे ही. ज़्यादातर केसेस में कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को एक्सट्रीम रिएक्शंस आ सकते हैं, राइट? जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए ताकि उनको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, राइट? और ऐसे में कुछ प्रकार की स्पाइडर यानी मकड़ियों की बाइट है, स्पाइडर बाइट, जैसे कि ब्लैक विडो स्पाइडर होता है, ब्लैक विडो या ब्राउन रिक्लूस स्पाइडर है, जो कि सीरियस इलनेस कॉज कर सकते हैं, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है इन दैट केस. सो ये आपको समझना है, इस प्रकार के दो सीरियस चीज़ें होते हैं, ब्लैक विडो एंड ब्राउन रिक्लूस, राइट? और अगर आपको कोई कीड़े मकोड़े ने काट लिया तो आपको वो कीड़े मकोड़े, वो स्पाइडर को लेके आपको आइडेंटिफाई करवाना है, हॉस्पिटल आना है, ताकि हमें पता चले वो किस प्रकार का कीड़ा है, ताकि हम कंफर्म हो सके, शक के बिना पे ना रहे कि हाँ भाई ये जहरीला है भी कि नहीं, राइट? कई बार सिर्फ रिएक्शन होता है, जहर नहीं होता. तो अगर होगा, मान लीजिए स्पाइडर बाइट है, कोई भी इंसेक्ट बाइट है, किसी भी कीड़े मकोड़े ने काटा है, स्टिंग है या बाइट है, तो सिम्टम क्या आएंगे? व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स डिपेंड अपॉन बाइट एंड स्ट्रिंग. बाइट है कि स्टिंग है, राइट? बाइट में या स्टिंग में पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, खुजली, इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, टिंगलिंग, नमनेस हो सकती है, और अल्टीमेटली आपको सांस में दिक्कतें भी आ सकती है अगर वो आपके रेस्पिरेटरी या किसी भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कर रही है. लेकिन मोस्ट कॉमन वो नहीं आता, मोस्ट कॉमन यही होती है, सूजन, दर्द और जलन, खुजली, राइट? और कुछ लोगों को, जिन लोगों को सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस होते हैं वो स्टिंग से या इंसेक्ट बाइट से, तो उनको जो रिएक्शन होता है उसको कहते हैं एनाफेलेक्टिक शॉक. ये बहुत दिस कंडीशन कैन ऑकर वेरी क्विकली एंड लीड टू रैपिड डेथ अगर तुरंत इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए. बहुत जल्दी बहुत खतरनाक रूप धारण कर सकती है एनाफेलेक्टिक रिएक्शंस. और अगर कोई एनाफेलेक्टिक रिएक्शन होता है उसके बारे में समझना, कैसे पता भाई ये सब में क्या होगा. एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में चेस्ट में पेन हो सकता है, फेस में या माउथ में स्वेलिंग आ सकती है, कोई चीज़ खाने में, निगलने में स्वेलिंग डिफिकल्टी, सांस में दिक्कत, सांस में डिफिकल्टी, चक्कर आ सकता है, फेंटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, या कोई बॉडी के अंदर रैश आ सकता है. सो अब सबसे बड़ी बात कि भाई फर्स्ट एड कैसे करना है. फॉर अगर सिवियर कोई रिएक्शन होता है, आपको लगता है इनमें से कोई भी सिम्टम है सिवियर एनाफिलेक्टिक शॉक जैसा, तो पहले आप उस पर्सन की, इंसान की ब्रीदिंग और एयरवे और ब्रीदिंग चेक करोगे और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओगे, फटाफट
इमरजेंसी एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल लेके जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सीपीआर रेस्क्यू ब्रीदिंग शुरू करेंगे अगर वो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन है तो, राइट? उस केस में आपको याद रखना है कि पर्सन को शांत रखना है, और अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चीज़ जो मुंह के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो घुटन कर रही हो उसको हटाना है। अगर कोई पर्सन पहले से नॉन एलर्जिक है, जिसके किसी कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है, तो वो लोग एक एपिनेफ्रिन का पेन रखते हैं अपने पास। अगर ऐसा कुछ है तो उनको तुरंत एपिपेन लगवाना पड़ेगा, वरना ऐसे शाइंस ऑफ शॉक का कोई भी साइन आता है तुरंत हॉस्पिटल को मेडिकल हेल्प लेके जाना चाहिए। पर ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन सीरियस चीज़ फर्स्ट पहले टैकल करनी चाहिए, सो इसलिए ये पहले बता दिया। उसके बाद रिमेंबर, जो भी अगर कोई कीड़ा काटा है और वो वहीं है तो उसको पहले तो हटा दीजिए, रिमूव द इंसेक्ट, द स्टिंगर, जो भी स्टिंग करता है। और इसको आप जो करेंगे ट्वीज़र नहीं यूज़ करेंगे, राइट? ट्वीज़र नहीं यूज़ करेंगे, वरना ट्वीज़र से क्या हो जाएगा, अगर आपने ट्वीज़र से उसको पिचका दिया हो सकता है बाकी सारा वेनम उसका अंदर घुस जाए। सो इसलिए ट्वीज़र नहीं यूज़ करेंगे, स्क्वीज नहीं करना है, यू जस्ट रिमूव इट फ्रॉम द बेस, समझे, स्किन के पास से। उसके बाद में उस साइट को अच्छे से धोएंगे, वॉश इट थरोली विथ सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से जहाँ पर काटा है उसको अच्छे से धोना है। उसके बाद में आइस यानी बर्फ, जिसको है बर्फ कपड़े में लपेट के बर्फ उसके ऊपर साइड के ऊपर रखना है, कम से कम मान लीजिए अराउंड 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के लिए हटा दें, फिर 10 मिनट के लिए रखें, फिर 10 मिनट के लिए हटा दें, इस तरह से करना है। तो बर्फ़ डायरेक्ट नहीं लगाना है, बर्फ़ के ऊपर कपड़ा रख के ताकि वो एरिया थोड़ा ठंडा रहे, ताकि वो एरिया की जो खून की नसें हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएं, और अगर कोई वेनम भी है, कोई स्टिंग भी है, तो वहाँ पे सूजन नहीं आएगी, कोई दर्द कम होगा और कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है? तो पहला चीज़ ये। और अगर आपको लगता है कि खुजली हो रही है तो एंटी हिस्टामिन आप ले सकते हैं दवा, या फिर कोई क्रीम, इचिंग वाली एंटी हिस्टामिन क्रीम लगा सकते हैं उसके ऊपर, वो आप डॉक्टर से ले सकते हैं। एंटी हिस्टामिन जैसे सिट्रीजीन प्लेन सिंपल, या कोई रिएक्शन की एविल, उसी दवाएं आती हैं, राइट? वो है। और कुछ दिन, अगले कुछ दिनों में आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, ऑब्जर्वेशन, साइंस देखने हैं कि ये दिक्कत, सूजन, दर्द, स्वेलिंग बढ़ तो नहीं रहा। अगर सूजन बढ़ रही, दिक्कत बढ़ रही, दर्द बढ़ रही है, यानी वहां पर इंफ्लामेशन या इंफेक्शन हो रहा है, बहुत जरूरी चीज। अब क्या नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट अप्लाई अ टॉर्निक्विट। टॉर्निक्विट यानी कई लोग यहां चोट करी तो ऊपर बांध देते हैं, वो सब नहीं करना है आपको। अब वहां पे टॉर्निक्विट नहीं बांधना है, ये बात याद रखिए। टॉर्निक्विट से ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुरंत वो नहीं जाएगा, वो जाएगा अगर जाना है तो टॉर्निक्विट से कोई फायदा नहीं होता है। दूसरा, उस पर्सन को किसी भी प्रकार के स्टिमुलेंट नहीं देना है, जैसे कि कोई भी कैफीन, कॉफी, एस्पिरिन, डिस्पिरिन या पेन की कोई मेडिसिन नहीं देनी है, अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर आपको वो दवा दे, क्योंकि वो चीज़ कई बार उनके बॉडी के उन चीज़ों के साथ रिएक्शन कर सकती है। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको समझने हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, किस सिचुएशन में हॉस्पिटल दौड़े, किस में नहीं। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के जैसे कोई भी साइन सिम्टम है, सांस फूल रहा, छाती में दर्द हो रहा, अजीब वो करीब लग रहा है, चक्कर आ रहे, बेहोश हो रहे, तब तो दौड़ना ही है। लेकिन कौन से साइन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस फूलने लगा, या फिर और कहीं स्वेलिंग आ रही है चेहरे पे, वीक फील हो रहा है, नीले पड़ रहे हो, टर्निंग ब्लू, थ्रोट या गले में सूजन आ रही है, सांस लेने में या खाना खाने में दिक्कत हो रही है, ऐसी चीज़ें में। अगर आपको सीवियर पूरी बॉडी में रिएक्शन हो रहा है, कभी कभी मधुमक्खी के काटने से ऐसे होता है, तो फिर आपको एलर्जी टेस्टिंग, स्किन टेस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा, तो हो सकता है आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, राइट? क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए आप हेल्प कर सकते हो। अगर आपको कभी कोई बी स्टिंग होता है, राइट, यू कैन हेल्प प्रिवेंट इंसेक्ट बाइट्स, राइट, बाय व्हाट? अगर आपको ऐसी कोई जगह जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे बीज है, बहुत सारे मच्छर है, बहुत सारे नेस्ट हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अगर आपने प्रोटेक्टिव कपड़े पहने हैं, वो जाली वाली पहनी है कुछ है, तब तो ठीक है, वरना नहीं पहना है तो देर आर वेज। नंबर वन वेज, रैपिड जर्की मूवमेंट ऑफ द बॉडी, राइट? जब आप सामने हो, आपने हिलते जाना है, रैपिड और जर्की मूवमेंट करेंगे तो वो काट नहीं पाएंगे। यू हैव टू परफॉर्म, अवॉइड परफ्यूम्स या फिर जो खुशबू वाले, जो डार्क
सॉरी खुशबू वाले आते हैं, जो फूलों की खुशबू वाले परफ्यूम नहीं लगाना है वरना वो अट्रैक्ट होती हैं बीज और वो चीज़ें। डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं वरना वो अट्रैक्ट होती हैं, राइट, मच्छर, इंसेक्ट्स और बीज। और इंसेक्ट रिपेलेंट कपड़े या इंसेक्ट रिपेलेंट पहन सकते हैं, लिक्विड क्लोथ, वो चीज़ें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप जब भी बाहर खाते हैं, खाना खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो मीठी है, राइट, और कोई कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कचरा बहुत सारा है, तो फिर वहाँ पे मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ आ सकती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वहाँ आप कपड़े, फुल कपड़े पहने, राइट, मच्छर मक्खियाँ हैं तो उनसे बचें, बाहर के खाने में खासकर कचरे के आसपास, कहीं डस्ट गार्बेज है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एलर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो आपको बीज, इंसेक्ट बाइट्स, ऑब्वियसली किसी ना किसी को कभी ना कभी तो होगी, इसलिए एक एपिनेफ्रिन का पेन आता है, एपी पेन, वो भी आप रख सकते हो अपने पास डॉक्टर से पूछ के, अगर आपको एक्चुअली में ऐसी कभी हो चुकी है या होती रहती है एलर्जिक रिएक्शंस। सो दिस इज ऑल अबाउट एक इंसेक्ट बाइट, एक बी स्टिंग, उसमें आपने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग विच यू नीड टू नो इज राइट हियर। अगर आपके कोई सवाल हैं तो सवाल ज़रूर लिखिए, उसके जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।